औद्योगिक नगरी पीथमपुर में हो रही बारिश के कारण कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। सागर के पास के गांव पिपलिया में एक मकान पर फंसे लोगों को पुलिस SDRF की टीम ने निकाला है। आज सुबह पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 12 में एक मकान की एक दीवार का हिस्सा गिर गया। सूचना मिलते ही मदद के लिए नगरपालिका टीम पहुंची। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल ने बताया कि हम अमले के साथ मौके पर पहुंचे हैं। मकान जर्जर हालत में था और नगरपालिका द्वारा पहले इसको नोटिस दिया गया था। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 11 में जो मकान गिरा है चंद्रिका प्रसाद मिश्रा का, वहां पर जाकर के CMO नगर पालिका की पूरी टीम ने और मैंने जाकर देखा तो वहां पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है। पूर्व में भी इसको नोटिस दे दिया गया था, जर्जर मकान है ये, और अभी उसको आदेश कर दिया है कि इस मकान को फिर से भैया तोड़ के अपने हिसाब से बनाओ, सही साठ मकान बनाओ और हमारे वासियों को भोजन के लिए रेन बसेरे में व्यवस्था की गई है, उनकी वहाँ जाए और रहे, खाना खाए और दो चार दिन की आपदा वाला समय निकाले, उसके बाद अगली व्यवस्था जो भी होगी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।